हाय गाइस, तो आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि ये वीडियो आपको जरूर जरूर देखनी है, पूरी देखनी है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपके घर की और आपकी सेफ्टी से रिलेटेड होने वाली है। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर करने वाला हूं। एक कि अगर आपके घर नए कंस्ट्रक्शन फेज में है तो उसमें जो कॉलम्स डल रहे हैं, जो कि मेन पिलर्स होने वाले हैं आपके घर के, जो आपके घर को खड़ा रखेंगे, उसको कैसे चेक करना है, इतने सिंपल टर्म्स में बताऊंगा कि वो कैसे आपको पता लगेगा कि हाँ, जो कॉन्ट्रैक्टर वहां काम कर रहा है वो सही तरीके से काम कर रहा है, कोई चोरी नहीं कर रहा है, अपना टाइम बचाने के लिए आपके घर की क्वालिटी से कोई गलत चीज नहीं कर रहा है। तो एक, मैं आपको चेक करने के तरीके बताऊंगा बहुत इजी टर्म्स में। दूसरा कि अगर आपका घर बन चुका है या आप उसको रेनोवेट करने जा रहे हो, कोई बिल्डर फ्लोर लेने जा रहे हो या कोई फ्लैट लेने जा रहे हो, तो उसमें कैसे पता लगेगा कहीं कॉलम में क्रैक दिख गया है, कॉलम में स्ट्रेंथ है या नहीं है, वो कैसे आपको पता चलेगा। क्योंकि कई बार मैंने वीडियो कॉल्स में ये देखा, जो मेरी कंसल्टेशन होती है, कि कॉलम में क्रैक दिखाई देता है। अब उन्हें ये नहीं पता है कि ये क्रैक जो है, क्या इससे हमें वरी होना चाहिए, क्या हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में फ्री की एडवाइसेस बहुत मिलती है। तो लोगों को समझ नहीं आता, हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, यार क्या करें। एग्जाम्पल के तौर पर अभी रिसेंटली जो चिंतल, आपने अगर मेरी वीडियो देखा होगा, शॉर्ट्स देखा होगा या पूरे न्यूज पे चल रहा है, चिंतल्स करके एक सोसाइटी है जिसमें 6 से 7 फ्लोर बैक टू बैक गिरते चले गए, जो कि हाई लग्जरी एंड बिल्डिंग्स थी, वो 1.5-2 करोड़ के फ्लैट्स थे वहां पे। तो अब आपके साथ ये ना हो, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को पूरा देखना, अधूरा मत छोड़ना। अगर अधूरा छोड़ दिया तो आधी इंफॉर्मेशन मिलेगी, होगा कुछ नहीं, आपका टाइम खराब होगा, आपकी घर की क्वालिटी खराब होगी। तो अगर स्किप करना है तो अभी छोड़ के वीडियो को चले जाओ, नहीं तो वीडियो को पूरा देखना। बोरिंग लगे चाहे अच्छी लगे, आधी मत देखना, पूरी देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पर। मैं हूं इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका घर अगर नई कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है तो उसमें कॉलम्स को कैसे चेक करना है। ये 3 पॉइंट्स की सीरीज होने वाली है जिसमें मैं कॉलम्स, बीम्स और स्लैब, मतलब की लेंटर, कि तीनों पॉइंट्स को कवर करूंगा। तो आज बात होगी कॉलम की, नेक्स्ट वीडियो में बीम की बात होगी। तो 8 से 10 पॉइंट्स हम कवर करके चलते हैं, जो बेसिकली मेजर पॉइंट्स होते हैं, कि अगर आपने इनको ध्यान रखा तो आपके घर के अंदर टेक्निकली कल को अगर भूकंप आता है तो आपका घर तो नहीं गिरेगा। जिसने फॉलो नहीं किया उसका शायद गिर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम नहीं किया होगा तो गिर सकता है घर, जैसे कि अभी चिंतल्स में हुआ। मैं आपको सिर्फ एक टेक्निकल टर्म सिखाऊंगा जिसे हम कहते हैं जोन, मतलब कॉलम का एक जोन होता है, जोन ए और जोन बी। सिर्फ यही इतना टेक्निकल डेटा जो आपको समझना है, बाकी वाले में कोई टेक्निकल डेटा समझने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि टेक्निकल जोन क्या होता है, अब आप इस फोटो के अंदर अगर देखोगे तो एक जोन ए है टॉप का और बॉटम का, एक जोन बी है। जोन बी हो गया कॉलम के बीच वाला हिस्सा और जोन ए हो गया कॉलम के सबसे ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो। ये जोन समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भूकंप आता है या कोई भी स्ट्रेस आता है कॉलम के ऊपर, तो सबसे ज्यादा जो लोड होगा वो टॉप पे और बॉटम में आने वाला है। सपोज करो ये हमारा कॉलम है, ये हमारा नीचे लेंटर हो गया, अगर भूकंप आएगा तो ये ऐसे ऐसे हिलता है, तो सबसे ज्यादा लोड इसके टॉप और बॉटम पे आता है। तो बेंडिंग मूवमेंट, मतलब कि कॉलम, बेंडिंग मूवमेंट तो नहीं बोलूंगा नहीं तो टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए, तो समझ लो कॉलम हिलता ज्यादा, सबसे ज्यादा जॉइंट पे, टॉप पे और बॉटम पे ही है, ठीक है। तो ये हमेशा सिर्फ ध्यान रखना कि जोन क्या है, बाकी अब सब नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। आई होप आपको जोन समझ आ गया होगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको चेक करना है वो होता है लैपिंग। लैपिंग का मतलब हो जाता है कि जब कॉलम का सरिया एक जगह आके खत्म हो गया है, उसके सपोज करो एक कॉलम का सरिया आया, एक लेंथ आई, यहां के खत्म हो गया, अब इसमें जब दूसरी लेंथ जोड़नी है वो लेंथ हमेशा जोन बी के अंदर होनी चाहिए, जोन ए में नहीं होनी चाहिए। अब पूछोगे यार जोन ए पता कैसे चलेगा कितनी हाइट है, वो जो इस बी स्ट्रक्चर वाले से आप ड्राइंग बनवाओगे वो उसमें हमेशा मेंशन करके देता है। आपको सिर्फ चेक ये करना है कि जो वो दो सरियों का जॉइंट आपस में आ रहा है वो जोन बी में आए, जोन ए में कभी भी ना आए। सेकंड जो पॉइंट होता है कि अल्टरनेट बार पे लैपिंग होनी चाहिए। अल्टरनेट बार का क्या मतलब होता है मनीष? अभी सपोज करो ये सरिये आपको दिख रहे हैं, अब मान लो ये अगर सारे जो लैपिंग है ये एक ही पॉइंट पे अगर आ गई, तो कल को अगर भूकंप आएगा तो इजीली ये ब्रेक हो सकता है, मतलब से टूट सकता है। जबकि अल्टरनेट के केस में जो लोड होगा वो ऊपर नीचे होगा, तो एक ही जगह पे आपका स्ट्रेस नहीं आएगा। ये वैसे ही होगा जैसे आपने एक बिस्किट लिया, बिस्किट को बीच में से अंगूठा एक ऐसे लगा और ऐसे तोड़ोगे टूट जाएगा, लेकिन अगर उसमें जॉइंट्स आगे पीछे डले होंगे तो उसको अलग अलग जगह पे लोड उसको मिलेगा, तो इजीली वो इतना आसानी से टूट नहीं पाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा अल्टरनेट होने चाहिए, पॉइंट्स ध्यान रखने वाले। अब अगर ये फोटो में देख पा रहे हो तो देख रहे हो ये जो सरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सरिया एकदम सीधा सीधा है, ये नहीं करना है आपको, ये हमेशा ऐसे यहां से बेंड होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा जो ये लैपिंग है ये ऐसे टेढ़ा होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बार के ऊपर बार जो लोड है वो
एक अगर आपने ऐसे साथ लगा दिया तो इस सरिये पे जो लोड आ रहा है वो इस पे कभी ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब ये डायगनल ऐसे आ जाता है, इस डायगनल के ऊपर जब नीचे से सरिया आ जाता है तो वो लोड सीधा सीधा ट्रांसफर हो जाता है। तो इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है कॉलम की रिंग्स। दैट्स राइट कि अगर आपके वर्टिकल जो मेंबर्स खड़े हुए हैं कॉलम के सरिये के, उसके एक रिंग डलता है जो उन सरियों को आपस में एक जगह इकट्ठा रखे। रिंग का सबसे ज्यादा मेन काम क्या होता है कि सपोज करो एक कॉलम है, इसके ऊपर लोड आ रहा है। होता है ना कि आप अपने घर के अंदर छतों में लोड रखते हो कि यार आप सोचते हो यहाँ पे हम एक मंदिर भी रख लें, फ्लोर में इटालियन स्टोन लगा लें, या यहाँ पे हम स्विमिंग पूल बना लें अंदर। तो ऐसा तो हम ये सोचते हैं ना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कॉलम पे कुछ ज़्यादा लोड हो जाए। तो ये रिंग का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब कॉलम के ऊपर कोई लोड आता है तो कॉलम सबसे ज़्यादा बकल होता है, मतलब कि ऐसे फूल जाता है। फूलने के कारण से कॉलम क्रैक आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं और कॉलम पूरा बैठ जाता है। फोटो में आप देख सकते हैं। तो इसीलिए रिंग का जो सबसे मेन काम होता है वो ये होता है कि जब उस पर लोड आए तो कॉलम को ऐसे फूलने ना दे, कॉलम को खुलने ना दे, सरिये बाहर ना जाए। ठीक है, तो इस रिंग में हम सबसे बड़ी गलती, अगर आज के टाइम पे गुड़गांव में भी 1000 साइट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें से 990 साइट में ये रिंग का जो हुक है कभी मोड़ा ही नहीं जाता। इस हुक का मेन काम होता है कि ये चीज अंदर मोड़े कि कल को अगर जब लोड आए तो ये रिंग आपस में लॉक हो जाए और खुले नहीं। अभी रिसेंटली क्या करते हैं, ये फ्रेम टू फ्रेम बना के रख देते हैं, बस इतना ही छोड़ देते हैं, अंदर हुक को कभी मोड़ा नहीं जाता। और ये हुक की 3 इंचेस का लेंथ होना चाहिए, जैसे कि अगर आप फोटो में देख पा रहे हैं 3 इंच का लेंथ होना ही चाहिए और ये ऐसे अंदर बेंड होना ही चाहिए, क्योंकि जब भूकंप आएगा या लोड आएगा ये रिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, रिंग कितनी डलनी चाहिए कॉलम के अंदर। देखो वैसे तो ये ड्राइंग टू ड्राइंग, लोड टू लोड वेरी करता है, तो आप इसमें मेरी रिकमेंडेशन की जगह या किसी और की रिकमेंडेशन की जगह ड्राइंग को जरूर फॉलो करो। उसमें आप नंबर ऑफ रिंग्स काउंट कर सकते हो, वो उसमें लिखा रहता है, वो आप वहां से काउंट कर सकते हो। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, कई बार क्या होता है कॉन्ट्रेक्टर भी आपको बेवकूफ बना देगा, ये रिंग है ना हमने डाली बिल्कुल सही डाली है, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया था जोन ए और जोन बी, जोन बी में जो रिंग उसने डाली है उसकी स्पेसिंग नॉर्मल हो सकती है, लेकिन जोन ए में मतलब कि टॉप में और बॉटम में रिंग की स्पेसिंग कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए वो आपकी ड्राइंग में हमेशा लिखा रहता है। तो बस आप अगर अपनी साइट पे गए, अपना घर, अपना ड्रीम हाउस खुद बनवा रहे हो, तो आपको देखना है कि हाँ यार जोन ए और जोन बी में रिंग की स्पेसिंग ऐसा तो नहीं है कि सबकी बराबर कर रखी हो, वो बस आपको देखना है कि हाँ नीचे और ऊपर टॉप में थोड़ी स्पेसिंग, मतलब स्पेसिंग का मतलब हो गया एक रिंग से दूसरी रिंग की आपस की दूरी, वो जोन ए में कम है, जोन बी में अगर जो भी उसने रखी हो ठीक है, लेकिन ड्राइंग से चेक जरूर करना अगेन, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू वो चेक कर लेंगे, डोंट वरी। और ये भी बहुत है कि आप जब ये बात बोलोगे उनको तो कॉन्ट्रैक्ट कह रहे सर क्या बोल रहे हो, हमें 20 साल हो गए कंस्ट्रक्शन में, ये तो लोग बोलते रहते हैं, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं माननी है बात, क्योंकि मुझे पता है कि जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है यहाँ पे उस हिसाब से अब वो जब भूकंप आएगा तब देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना, ये सेफ्टी को लेके है, क्योंकि चिंतल में और यहाँ पे और भी बहुत सारे घर हैं यार, ये तो चिंतल लग्जीरियस अपार्टमेंट और बिल्डर का काम है इसलिए गिर गया, लेकिन अगर यहाँ कोई घर गिरेगा या उसका कुछ टूटेगा तो उससे कोई किसी को फर्क पड़ने वाला खास है नहीं। अगर आप पैसे पूरे दे रहे हो तो उसको ये रिंग मोड़ने में क्या दिक्कत है। आप जब भी किसी से कॉन्टैक्ट फाइनल करो कि भैया ये वीडियो देख लो, ये काम हमें चाहिए ही चाहिए, नाम इसका एक्स्ट्रा पे करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम होता है, इंक्लूडेड होता है सब में, इसका अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है कवर। कवर का मतलब होता है कि जहां पे सरिये खड़े हैं, सपोज करो ये सरिये खड़े, इन सरियों के चारों तरफ कॉन्क्रीट की कवरिंग हो जाती है तो सरिये हमारे दिखने बंद हो जाते हैं, तो वो कवर ब्लॉक भी डालना जरूरी है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं उसके कवर को लेकर ढंग से मैनेज नहीं करते, एक दो कवर लगा देते हैं, उससे फायदा नहीं है, नहीं तो इससे घाटा क्या होगा जो अभी मैं आगे बताने वाला हूं कि कॉलम में अगर क्रैक आ रहे हैं उसका रीजन क्या होता है, वो यही रीजन है। तो आगे जो वीडियो का कंटिन्यू जो देखने वाले हो आ गया, अगर आपके घर में कॉलम में कहीं क्रैक दिख रहा है तो वो कैसे पता चलता है, किसकी वजह से क्या कमी है उसमें, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ ना बना पाए, वो कैसे रेक्टिफाई करना वो अभी मैं आगे बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कंक्रीट में कवर जरूर हो। नेक्स्ट जो होता है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, अगर आप चेक कर सकते हो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं कर पा सकते तो फिर आप हमें कॉल कर लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो तभी बता पाऊंगा। एक होता है कॉलम का साउल लेवल, मतलब प्लम्ब लेवल चेक करना। प्लम्ब लेवल का मतलब होता है कोई भी चीज एकदम सीधी खड़ी है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ तो अगर ये जैसे कि पेन है, तो अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकली अलाइंड है, तो मतलब एक कॉलम प्लम्ब के अंदर है। अगर ये ऐसे टेढ़ा हो गया है तो मतलब कि ये कॉलम प्लम्ब लेवल में नहीं है।
तो ये साउल करने का तरीका होता है कि एक प्लम्ब आता है उसको ऐसे पॉइंटर से यहाँ देखना होता है, उसमें गैप मैनेज करने का ही एक सीन होता है। तो अगर आप फोटो भेज देना मैं बता दूंगा ज़्यादा बेटर है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बट वही है अगर मैं वो सारे पॉइंट्स भी बताऊंगा तो आप डिटेलिंग में फंस जाओगे और आप समझ नहीं पाओगे और इतना ज़्यादा ग्रैप करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो फिलहाल के लिए आप ये पॉइंट्स को देखो, ज़रूर चेक करो, और मेहनत भी बहुत लगी यार, 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आप किसी और से पूछोगे तो वो आपको इतने टेक्निकल टर्म्स में बोलेगा जो आपको समझ नहीं आए। तो ये बहुत आराम से और आसानी से चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लग रही है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, और इसी के साथ मैंने आपको बालकनी की भी चेकलिस्ट बताई हुई है, टाइल लग रही है तो कैसे चेक करना है, बाथरूम में प्लम्बिंग हो रही है तो क्या चेक करना है, बाथरूम में वाटरप्रूफिंग क्या चेक हो रही है, वो क्या करना है, आप जाके वीडियो में देख सकते हो, वो सारी सीरीज इसी के ऊपर है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि अब आता है भाई, मनीष आपने नए घर वालों के लिए तो बता दिया यार, पुराने घर वालों के लिए तो बताओ जिनके घर ऑलरेडी बन चुके हैं या अगर वो घर खरीदने जा रहे हैं और वहाँ कोई क्रैक दिख रहा है तो कैसे रेक्टिफाई करें कि ये क्रैक सेफ है या नहीं है या इसको हम नॉर्मली रिपेयर करा के छोड़ दें। तो गाइस वीडियो लंबी ना हो जाए और आप बोर ना हो जाओ इसलिए इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको ये सारी डिटेलिंग मिल जाएगी, और ये वीडियो फ्राइडे को अपलोड हो जाएगी तो वहाँ से आप ये जाके देख सकते हैं। टिल देन गुड बाय।